जैसा आपने थंबनेल में देखा कि रील वीडियो विदाउट फेस, आपको जैसा पता होगा कि यूट्यूब में भी 60% ऐसे चैनल हैं जिन पे फेस ही नहीं है और उनकी जो कमाई है वो तो भूल जाओ, मैं रिवील भी नहीं करना चाहता, लाखों करोड़ों में उनकी कमाई है। तो इंस्टाग्राम में भी कुछ ऐसे धुरंधर बैठे हैं, कुछ ऐसे खतरनाक लोग बैठे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, उनके इतने अच्छे अच्छे पेज हैं और फेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मेरा तो एक फेस वाला मतलब एक चैनल है या मेरा जो भी अकाउंट है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, पेज है, मैं अपना फेस दिखा चुका हूँ, तो अब मैं नहीं बना सकता, मेरे दोस्त फेस ऐसा बना भी लोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। बस थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी कि आप फेस वाले को लेके फोटो पोस्ट करते हो, रील बनाते हो, उसमें आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी फेसलेस, क्योंकि दो दो चलाना, दो चीज़ तीन चीज़ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फेसलेस अगर आपका चल गया ना मेरे दोस्त, तो उसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अलग अलग लोगों में टीम बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हो। और फेसलेस कहीं ना कहीं 50% से ऊपर चांसेस है कि फेसलेस वाले वायरल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फेसलेस में आप एक इमोशन दिखा सकते हो अपनी वॉइस के साथ, अपनी एनिमेशन के साथ, आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और आपको फेस दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा को फेस नहीं कर पाते हैं, मोबाइल कैमरा को भी फेस नहीं कर पाते हैं, कैमरा के सामने बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए ही फेसलेस चैनल लोग बनाते हैं या रील पे वीडियो डालते हैं या फोटो डालते हैं। फोटो आप बहुत सारे डाल सकते हो, बहुत सारे अकाउंट है यार, आपने भी देखा होगा कितने मीम पेज क्या है, किसी पे फेस नहीं है और उनके आप फॉलोवर देखोगे तो लाखों में फॉलोवर है उनके, मिलियन में फॉलोवर है। तो उनकी कमाई वगैरह छोड़ दो आप, कितना वो मोनेटाइज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में तो रील मोनेटाइजेशन भी आने वाला है। तो फेसलेस में अगर आपका मोनेटाइजेशन आपको एनेबल हो जाता है तो आप सोचो आप कितने पैसे वहाँ से कमा सकते हो। तो यहाँ मैं आपको 9 फेसलेस आइडिया बताऊँगा रील के लिए, जो ये 9 है उनमें से अगर आप एक या दो पे भी काम कर लेते हो ना तो आराम से आप ग्रो हो जाओगे। तो 9 के 9 को पूरा सुनना, उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो पहला है वो है व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी, यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा, इस टाइप की वीडियो आप बना सकते हो। ये एनिमेशन होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होती है, आप अगर जानना चाहोगे तो इसके ऊपर अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। यहाँ पे क्या मेरे को 9 पॉइंट बताने, वीडियो फालतू लंबी हो जाएगी तो जल्दी खत्म करना है। दूसरा होता है बिफोर एंड आफ्टर। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी ड्राइंग हो गई या आपका कोई घर बन रहा है या आपने कोई चीज़ रूम को डेकोरेट किया, तो बिफोर आफ्टर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, लोग उसको देख के सीखते भी हैं, मोटिवेट भी होते हैं, शेयर भी करते हैं, सेव भी करते हैं, स्टोरी में भी डालते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, बिफोर आफ्टर भी डाल सकते हो। तीसरा हो गया एनिमेशन को, वो जो मैंने बताया वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अलग होता है, ये जो एनिमेशन है ये अलग है, इसमें आप कार्टून वगैरह क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे पेड भी है, बहुत सारे फ्री भी है, लैपटॉप में भी है, लैपटॉप है तो वहाँ से भी कर सकते हो। और यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है जहाँ से आप आराम से सीख सकते हो कि मैं एनिमेशन वीडियो कैसे बनाऊँ। चौथा हो गया टाइम लैप्स, ये भी काफ़ी अच्छी चलती है, सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है उसका आप टाइम लैप्स बना सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो उसका टाइम लैप्स बना सकते हो, कोई चीज़ वहाँ पे हो रही है जिसको आप फास्ट फॉरवर्ड में दिखाना चाहते हो, कोई ड्राइंग है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड दिखाना चाहते हो, कोई आर्ट बना रहे हो, कोई वॉल पर ड्राइंग बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुछ बड़ी चीज़ें होती है उनको आप कम टाइम में दिखाना चाहते हो पर उसको आप दिखा नहीं पा रहे हो, तो आप टाइम लैप्स करके वो वीडियो को डालोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके बाद आती है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में तो नॉर्मल सी बात, आपको हाथ चाहिए, कैमरा इस एंगल पर लगा दो या फोन कहीं पर भी एंगल पर लगा के फोन कैमरा कुछ भी, इतना उसमें इक्विपमेंट नहीं चाहिए कि मैं बोल दिया कि फोन चाहिए कैमरा चाहिए। नॉर्मल आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मल सी बात है एंड्रॉइड फोन तो आपके पास हो गई, उससे आप अनबॉक्सिंग वीडियो बना सकते हो किसी भी चीज़ की। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी कोई सामान आ रहा है, आपके दोस्त क्या आ रहा है, रिलेटिव क्या आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है तो आप उनका सामान लेके अनबॉक्सिंग तो सब करते हैं, उनको बोल दो कि मैं अनबॉक्सिंग करके वीडियो डालूंगा, तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद अगला आता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप फैक्ट बता सकते हो, कोई नई चीज़ें बता सकते हो, 10 घूमने की जगह बता सकते हो, 10 हॉरर मूवी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, अच्छी गेम प्ले बता सकते हो, घूमने की जगह बता सकते हो, खाने पीने की जगह बता सकते हो, पढ़ाई की किताबें बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो वॉइस ओवर में। और वॉइस ओवर वाली वीडियो में आपके पास इतने सारे कंटेंट हो गए कि आप थक जाओगे बनाते बनाते लेकिन कंटेंट कभी खत्म नहीं हो। अगला आता है स्क्रीन कैप्चर। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, कोई चीज़ समझा रहे हो लोगों को, तो आप स्क्रीन कैप्चर करके भी बता सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप की हो चाहे फोन की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आप समझा सकते हो, वॉइस ओवर देना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और लोगों को समझाना है कि आप क्या चीज़ बताना चाह रहे हो। अगला जो आता है स्लाइड शो। स्लाइड शो भी काफ़ी अच्छा चलता है, जिसमें स्लाइड शो में फोटोज वगैरह चलती है, बैकग्राउंड में एक साउंड रहता है, वो भी काफ़ी अच्छा बना सकते हो। जैसे इसमें आप नॉर्मली वो कर सकते हो कि 10 जगह घूमने वाली बेस्ट कौन सी है, कम पैसे में आप कौन सी जगह घूम सकते हो, फॉरेन में कौन कौन सी जगह है जो सस्ती है जहाँ पे आप घूम सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, खाने की चीज़ें हैं, जो हेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी चीज़ें हैं, उसका स्लाइड शो बना के एक पहले पैम्पलेट बना लेना कि जैसे 10 जगह घूमने की, फिर 1, 2, 3, 4, 10, उसमें कोई वॉइस ओवर देने की भी जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड साउंड दे दो और बना दो। लास्ट जो आता है वो इंस्टाग्राम में अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है टेम्पलेट्स। आप नॉर्मल सी बात ये देखो, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, जैसे आप स्क्रॉल अप डाउन करते जाओगे तो बहुत सारे बीच बीच में टेम्पलेट्स वगैरह आती रहती है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और जो वो टेम्पलेट है उसमें अपनी वीडियो को आपको सेट कर देना है, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी है, एडिट वगैरह जो इंस्टाग्राम है सब खुद करेगा, ऑडियो उसमें वीडियो उसमें, बस आपको अपनी क्लिप दे देनी है और वो अपने आप एडिट वगैरह सब करके आपको दे देगा और वायरल भी जल्दी होगा क्योंकि इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो ये थे कुछ 9 आइडिया, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आया तो आप इन पर काम जरूर कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।